हेलो स्टूडेंट्स, सो इन एसएसटी ऑफ क्लास एट्थ वी विल स्टडी टुडे सिविक्स एंड वी शैल बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट लेसन ऑफ सिविक्स विच इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर द लॉज, मतलब कि संविधान और जो कानून है उनकी ज़रूरतें। So any organized social life needs certain rules and regulations. We humans need to observe certain rules even while playing games or walking or driving on the roads. In the same way, we must observe some rules of common behavior in all our activities. A country needs a government which is run according to certain set of rules and regulations. Therefore, for all the nations have their own constitution and systems of government. तो कोई भी संगठित सामाजिक जीवन होता है उसमें कुछ नियम कायदों की ज़रूरत होती है। हम इंसानों को भी हर जगह पे कुछ रूल्स वगैरह लागू करने पड़ते हैं, चाहे वो हमें कोई गेम खेलना हो या रोड पे चलना हो या रोड पे गाड़ी चलाना हो। इसी तरह हमें हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं उनके लिए भी कुछ कॉमन बिहेवियर्स के लिए भी कुछ रूल्स वगैरह रखने पड़ते हैं। एक देश को सरकार की ज़रूरत होती है जो कि उस देश को चलाती है, जो नियम कायदे होते हैं उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए जितने भी देश हैं उनके पास खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान है और सरकारी तंत्र है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स एज पर विच द कंट्री इज गवर्न। इट इज अ फ्रेमवर्क विच डिसाइड द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन our national goals like democracy, socialism, secularism, liberty, equality, fraternity, etc. It also lays down the powers and functions of the government. It defines the rights and duties of the citizens and regulates the relations between the citizens and states. It performs the dual function of regulating the government as well as safeguarding the rights of the citizens. It is our duty to respect our constitution. A constitution may be in a written form as in India, France and USA or unwritten as in Great Britain. तो constitution मतलब संविधान उन नियम और कानूनों का एक सेट होता है जिसके हिसाब से किसी भी देश की सरकार कार्य करती है। ये एक तरह का तंत्र होता है जो डिसाइड करता है कि सरकार का कंपोजिशन और फंक्शंस कैसे होंगे। जो भारतीय संविधान है वहाँ पे हमारे जो राष्ट्रीय गोल्स हैं, उद्देश्य हैं, जैसे कि लोकतंत्र, समाजवाद, सेकुलरिज्म मतलब कि धर्मनिरपेक्ष, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सब हैं। और साथ ही साथ ये हमारे संविधान में हमारे सरकार के पास क्या क्या ताकतें होंगी और क्या क्या हमारी सरकार कर सकती है, इन सब के बारे में भी बताया गया है। हमारे संविधान में जनता के जो अधिकार हैं और कर्तव्य हैं और साथ ही साथ जनता और सरकार के बीच में कैसे रिलेशन्स होंगे और उन्हें कैसे रेगुलेट कंट्रोल किया जाएगा, इन सब के बारे में बताया गया है। हमारा संविधान दोहरे कार्य करता है जिसमें एक जो है सरकार को कंट्रोल में भी रखता है और साथ ही साथ जो जनता होती है जनता के अधिकारों को भी सुरक्षित रखता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें हमारे संविधान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। संविधान या तो रिटन फॉर्म में हो सकता है, या तो लिखित होता है या फिर नॉन रिटन होता है। लिखित संविधान जैसे इंडिया, फ्रांस और यूएसए का है और अलिखित संविधान जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का है। इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की महत्वता। In the present age of democracy, the power to govern is exercised by the representatives of the people and they are also accountable to the people. Thus, they cannot be allowed to exercise the power according to their sweet will. They are bound by certain principles. The state is an association of associations. Every association works according to certain rules. These principles put a check on arbitrary use of power by any person and ensure individual liberty. These principles determine the setup of organs of the government, their power, mutual relations and the rights and duties of the citizens. Thus, the constitution is very important in a democracy. तो लोकतंत्र के मौजूदा समय में
जो शक्ति होती है सरकार चलाने की, वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में होती है, और साथ ही साथ वो जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। इसीलिए उनको जो शक्तियाँ होती हैं उनकी इच्छा के मुताबिक नहीं चलाने दी जा सकती हैं। वो कुछ प्रिंसिपल से, कुछ रूल से बंधे होते हैं। जो स्टेट होती है मतलब राज्य होते हैं, वो जो है एसोसिएशंस के एसोसिएशन होते हैं, और हर एक एसोसिएशन जो होता है वो कुछ नियम कायदों से चलता है। ये जो नियम होते हैं ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी शक्ति को का मनमाने ढंग से यूज करने से रोकते हैं। ये नियम ध्यान देते हैं कि कोई भी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके, और ये जो नियम होते हैं ये किसी भी सरकार के जो अंग होते हैं उनको सेटअप करते हैं, उनकी शक्तियाँ, जो आपसी संबंध, साथ ही साथ जो जनता के जो कार्य और अधिकार हैं उनको भी। इसीलिए किसी भी लोकतंत्र में संविधान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। अवर फ्रीडम फाइटर्स बैटल्ड फॉर लॉन्ग इन ऑर्डर टू फ्री अवर कंट्री फ्रॉम द इम्पीरियल योग। दे फॉट फॉर सर्टेन आइडियल्स विच दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अ ग्लिम्स ऑफ दीज आइडियल्स कैन बी रीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी आज़ादी के जो योद्धा थे उन्होंने लंबे समय तक हमारे देश की आज़ादी के लिए युद्ध किया, लड़ाइयाँ लड़ी। वो उन्होंने कुछ अपने विचारों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जो उन्होंने हमारे संविधान में डाले हैं, और इन्हीं विचारों को हम अपने संविधान के प्रीएम्बल में देख सकते हैं, मतलब संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट बिगेंस विथ एन इंट्रोडक्शन और अ प्रीफेस कॉल्ड द प्रीएम्बल। द वर्ड प्रीएम्बल लिटरली मीन्स एन इंट्रोडक्शन टू अ लीगल डॉक्यूमेंट। इन फैक्ट द प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्शन एज वेल एज द की टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारत के संविधान है वो एक कानूनी दस्तावेज है, और इसमें एक परिचय भी दिया हुआ है जिसको हम प्रीएम्बल या प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। जो वर्ड प्रीएम्बल है उसका मतलब होता है किसी भी कानूनी दस्तावेज का परिचय। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रीएम्बल या प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का परिचय तो कराता ही कराता है, साथ ही साथ हम इसे अपनी संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। इट लेज डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स विच द रूलर्स ऑफ आवर कंट्री शुड ऑलवेज कीप इन माइंड व्हेन फॉर्मुलेटिंग व्हाइल फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसी। इट ऑल्सो इनलेट सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स दैट द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉन्टेड टू अचीव। तो हमारे संविधान के जो प्रीएम्बल है उसमें जो है उन कुछ आइडियल्स या आइडियाज के बारे में बताया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में जो भी सरकार चला रहा होगा उसको उन आइडियल्स को अपने दिमाग में रखना होगा जब भी वो हमारे राष्ट्र के लिए कोई नीतियाँ वगैरह बनाएंगे और लागू करेंगे। साथ ही साथ ये जो है उन उद्देश्यों को और गोल्स को भी सूचीबद्ध करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो निर्माता थे, संविधान के निर्माता थे, वो जो हासिल करना चाहते थे उन उद्देश्यों को भी ये सूचीबद्ध करता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, एंड वी विल प्रोसीड टू द फर्दर लेसन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।